प्रो पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर सईद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद आज दूसरे दिन भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगातार से जारी हैं। और आपको हम बता दें कि जिस तरह प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पर इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था, उसके साथ साथ ट्रेन की सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था और जो कॉलिंग की सर्विसेज थी उसको भी सस्पेंड किया गया था। हालांकि BSNL की जो पोस्ट पेड सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, खाली उसमें आप कॉलिंग की जो सर्विसेज हैं वही अवेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो नेशनल हाईवे NH-44 है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला ये नेशनल हाईवे है, वो भी बंद है और नासरी टनल को भी बंद किया गया है, उसके साथ साथ जवाहर टनल को भी बंद किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है कि जिन लोगों ने डोडा की ओर जाना है यानी कि चिनाब वैली की ओर जाना है तो उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। ये सब कुछ जो है प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पर किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि जिस तरह जब ये मृत्यु की खबर सामने आई थी तो ये अनाउंसमेंट जो थी वो की गई थी। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये बार बार से कोशिश कर रहा है और ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कश्मीर के बीच में डिस्टर्ब क्रिएट किया जाए। आपको याद होगा कि जब बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने न्यूट्रलाइज किया था, तो उसके बाद कश्मीर के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस रही थी, हालांकि उसको कंट्रोल कर लिया गया था। तो अब पाकिस्तान द्वारा ये स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही थी क्योंकि कई सारे ऐसे इनपुट्स भी आ रहे थे कि पीस को डिस्टर्ब किया जाए। उसी को देखते हुए जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये जो प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पर ये जो सर्विसेज सस्पेंड की हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज की बैठक के बाद हो सकता है कि इंटरनेट को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सके। फिलहाल सूत्रों की माने तो दो दिन तक और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं क्योंकि जब तक चौथा नहीं होता तो उसी को देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। फिलहाल ये जो साजिशें हैं पाकिस्तान भी बार बार से कर रहा है कि पूरी तरह से इस पीसफुल जो यहाँ पर सब कुछ चल रहा है पीसफुली उसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। हालांकि एक आज जो घटना है वो पुंछ के इलाके से भी सामने आई जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बिट जो थी वो एक अटेम्प्ट वहाँ पर की जा रही थी और वहाँ जो हमारे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स अलर्ट बैठे थे उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया और वो जो इन्फिल्ट्रेट वहाँ पर आतंकी कर रहे थे वो वहाँ से वापस धकेल दिए गए। तो ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट्स हैं ये हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से अपने व्यूवर्स तक पहुँचा रहे हैं। कश्मीर में अभी भी रिस्ट्रिक्शन हैं, एक बार फिर मैं बता दूँ जो व्यूवर्स इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज वहां पर सस्पेंड रखी हैं प्रिकॉशनरी मेयर्स के तौर पर, प्रिवेंटिव मेयर्स के तौर पर, और उसके साथ साथ ट्रेन की सर्विसेज को भी कल ही बंद कर दिया गया था। हाईवे की अगर बात की जाए यूं तो NH-44 यानी कि कन्याकुमारी टू कश्मीर का ये लंबा हाईवे है, इसको जोड़ने के लिए ये हाईवे जो है एक अहम रोल प्ले करता है। तो कई टूरिस्ट इस समय कश्मीर में भी जाते हैं तो ये अपडेट उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाईवे अभी फिलहाल बंद है और प्रिवेंटिव मेयर्स के तौर पर ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है घाटी में लगाई गई हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।